नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में। तो देखिए, इसकी चार अवधारणाएं होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। मैंने पहले ही जीडीपी और जीएनपी के बारे में पूरा पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, एक बार उसको आप देख लीजिएगा। आज शुरू करेंगे हम लोग एनडीपी और एनएनपी के बारे में। चलिए देखते हैं एनडीपी से। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? तो डेफिनेशन उसी तरह का है जैसे कि जीडीपी में था। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि किसी देश में किसी एक वर्ष में वहाँ के निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का विशुद्ध मौद्रिक मूल्य ही एनडीपी कहलाता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में अगर आप मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग को घटा देते हैं तो जो बचता है वो होता है एनडीपी। यानी कि एनडीपी अर्थात जीडीपी माइनस डी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी स्थिर मूल्य का उपभोग और घिसावट मूल्य, तो इनको घटाने पर निकल जाता है एनडीपी। इसको हम ध्यान रखते हैं, छोटा सा चीज़ है। चलिए अब जान लेते हैं एनएनपी के बारे में कि एनएनपी क्या होता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जब किसी देश के जीएनपी में माइनस घटा देते हैं मूल्यह्रास को तो निकल आता है एनएनपी, या यूं कहें कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डी, डी यानी कि डिप्रिसिएशन। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डी। जब हम जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाते हैं तो जो शेष बच जाता है वो कहलाता है एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है यही वास्तविक में नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हालांकि जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी ये भी राष्ट्रीय आय हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय आय के रूप में लेखा नहीं किया जाता। तो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय के रूप में लेखा किया जाता है एनएनपी को, एनआई के रूप में लेखा किया जाता है। देखिए, जब हम इसे देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं, देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो निकल आता है प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय ही वास्तविक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय होती है। इसको ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा एनएनपी के बारे में था कि एनएनपी जो है वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, और जब इसे हम देश की आबादी से भाग दे देते हैं तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय, और यही प्रति व्यक्ति आय जो होता है वास्तविक वार्षिक प्रति व्यक्ति आय होता है। अब हम जान लेते हैं बाजार मूल्य के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कि बाजार मूल्य और साधन लागत पर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। देखिए, बाजार मूल्य क्या होता है इसको समझते हैं। बाजार मूल्य, क्वेश्चन आता है कि बाजार मूल्य पर जीडीपी के बारे में बताइए, जीएनपी के बारे में बताइए, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बाजार मूल्य होता क्या है। देखिए, बाजार मूल्य अर्थात किसी उत्पाद के साधन लागत में, किसी उत्पाद के साधन लागत में यानी कि फैक्टर कॉस्ट में, किसी उत्पाद के साधन लागत में यदि विशुद्ध
अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी घटा दी जाती है, तो जो शेष बचती है वह कहलाती है बाजार मूल्य। किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और उसमें सब्सिडी घटा देंगे तो निकल आएगा बाजार मूल्य। और यही वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई उत्पाद फैक्ट्री छोड़ता है, यानी कि जब फैक्ट्री से हम किसी उत्पाद को निकालते हैं तो उसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है और सब्सिडी हम घटाते हैं, तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, एक तरह का पूर्व फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है या प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो बाजार मूल्य क्लियर हुआ। बाजार मूल्य यानी किसी उत्पाद के साधन लागत में जब विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है और उसमें सब्सिडी घटा दी जाती है तो निकल आता है बाजार मूल्य। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बाजार मूल्य पर जीडीपी के बारे में। बाजार मूल्य पर जीडीपी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। तो बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी क्या होता है, पहले ही मैंने एक बार क्लियर किया था, एक बार और बता देता हूँ। जीडीपी जब किसी देश का, किसी देश के किसी एक वर्ष में वहाँ के निवासियों या गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को जब बाजार मूल्य पर व्यक्त किया जाता है तो निकल आता है बाजार मूल्य पर जीडीपी या जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको ध्यान देने की बात यह है इसमें कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आपको बताना है कि अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है और इसमें सब्सिडी जो होती है वो घटी हुई होती है, तो ये जो था वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाएगा। उसी तरह से जीएनपी एट मार्केट प्राइस की बात करें तो देखिए जीएनपी किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर एवं बाहर वहाँ के निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जब मार्केट, जब बाजार मूल्य पर व्यक्त किया जाता है तो निकल आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य पर जीएनपी। देखिए इसमें भी अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है और सब्सिडी जो होती है वो घटी हुई होती है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन कब ये पूछता है कि बाजार मूल्य पर एनडीपी निकालें या बाजार मूल्य पर एनएनपी निकालें, तो इन दोनों का भी डेफिनेशन सेम इसी तरह से होगा कि देखिए जीडीपी एवं बाजार मूल्य पर निकाला गया जीडीपी और जीएनपी में ह्रास घटा देने पर या मूल्य ह्रास घटा देने पर क्या निकल आता है, बाजार मूल्य पर क्रमशः एनडीपी और एनएनपी निकल आता है, ये ध्यान रखेंगे। जीडीपी बाजार मूल्य पर निकले हुए जीडीपी और जीएनपी में यदि मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो बाजार मूल्य पर ही क्या निकल जाता है, क्रमशः एनडीपी और एनएनपी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बातें आपको क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साधन या कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, फिर इसमें भी डिस्कस कर लेंगे कि साधन लागत पर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साधन लागत क्या होता है। साधन लागत यानी किसी उत्पाद के लिए, किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए उत्पादनकर्ता को, उत्पादन के कारकों को जो भुगतान करना पड़ता है वो कहलाता है साधन लागत या कारक लागत। किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए उत्पादनकर्ता को उत्पादन के लिए कारकों को जो भुगतान करना पड़ता है उसे कहते हैं साधन लागत या कारक लागत। इसमें शामिल किए जाते हैं मजदूरी, कच्चा माल, ऋण पर ब्याज, बिजली व्यय और उत्पादनकर्ता का लाभ, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ध्यान दीजिएगा,
किसी उत्पाद के लिए किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए उत्पादनकर्ता को उत्पादन कारकों को जो भुगतान करना पड़ता है वो कहलाता है साधन लागत, और इसमें शामिल होते हैं मजदूरी, कच्चा माल, ऋण पर ब्याज, बिजली व्यय, उत्पादनकर्ता का लाभ। यानी सीधा सीधा बात यह है कि हम देख लेते हैं कॉमर्स की भाषा में कि जो ट्रेड अकाउंट बनता है, ट्रेड अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी शामिल होते हैं साधन ना कारक लागत में। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि साधन लागत पर जीडीपी कैसे निकाला जाता है। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर घटा हुआ होता है, मतलब जुड़ा नहीं है। अप्रत्यक्ष कर घटा हुआ है लेकिन इसमें जुड़ा हुआ होता है सब्सिडी। जैसे उसमें सब्सिडी घटा हुआ था, इसका जस्ट विपरीत है ये कि इसमें अप्रत्यक्ष कर नहीं लगा है और सब्सिडी जुड़ी हुई है। इसको आगे मैं आपको और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूँगा तो और भी ये क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं जीडीपी, साधन लागत पर जीडीपी के बारे में। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी करके लिखा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। वहाँ पे एमपी लिखा हुआ था मार्केट प्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? किसी देश के किसी एक समय अवधि में वहाँ के निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जब साधन लागत पर ज्ञात किया जाता है या व्यक्त किया जाता है तो वह साधन लागत पर जीडीपी होती है या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर घटे हुए होते हैं जबकि सब्सिडी जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह से जीएनपी क्या होगा? देखिए जीएनपी किसी देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर और बाहर जो उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं को साधन लागत पर व्यक्त किया जाता है तो उसे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर जीएनपी कहा जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर घटे हुए होते हैं और जो सब्सिडी जो होता है वो इसमें जुड़ा हुआ होता है। क्लियर। उसी तरह से एनडीपी देख लीजिए। एनडीपी यदि किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत के आधार पर ज्ञात किया गया है और उसमें डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो साधन लागत पर एनडीपी निकल आता है या इस तरह साधन लागत पर एनडीपी को व्यक्त किया जा सकता है। उसी तरह से यदि किसी देश का जीएनपी को साधन लागत पर ज्ञात किया गया है और उसमें मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो साधन लागत पर एनएनपी ज्ञात किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो ये रही दोनों चीज़ें, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब देखिए समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है, उस एक्स वस्तु का जो फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत है, साधन लागत जो है वो 100 रुपये है। तो इसी एक्स वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा? बाजार मूल्य, इसमें हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, मान लीजिए 5 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये 105 रुपये क्या हो जाएगा? इसका बाजार मूल्य हो जाएगा। जब ये फैक्ट्री में था तब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगे हुए थे, जब फैक्ट्री से बाहर निकला तब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे और इसका रेट बढ़ गया। चलिए इसी तरह से अगर हम देखते हैं सब्सिडी की बात देखें, मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है उसका साधन लागत जो है वो 100 रुपये है और इसी एक्स वस्तु का जो मार्केट प्राइस है यानी कि बाजार मूल्य है वो भी 100 रुपये है। अब इसमें सब्सिडी घटा देंगे मार्केट प्राइस वाले में, 10 रुपये सब्सिडी है मान लीजिए तो ये हो जाएगा 90 रुपये, लेकिन जो साधन लागत है वो 100 रुपये ही रहेगा। इसमें अगर जुड़ता भी है मार्केट वैल्यू, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ता भी है तो भी ये इसी वैल्यू के आधार पर होगा क्योंकि इसमें हमने सब्सिडी घटा दिया है। तो सब पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाता है फिर सब्सिडी घट जाता है। मान लीजिए ये 100 रुपये था, इस पर 105 रुपये इसका मार्केट प्राइस था, इसमें 10 रुपये सब्सिडी दिया गया तो 95 रुपये हमें क्या पड़ा? इसका मार्केट प्राइस पड़ा, जबकि साधन इसका जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है? 100 रुपये है। तो इस तरह से होता है
दोनों के बीच में अंतर और निकाला जाता है इस तरह से, साधन लागत और मार्केट प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्थिर मूल्य क्या होता है और चालू मूल्य क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्थिर मूल्य और चालू मूल्य, स्थिर मूल्य क्या होता है? जब वर्तमान के किसी उत्पाद का मूल्य पीछे आधार वर्ष के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो वह कहलाता है स्थिर मूल्य। जब वर्तमान के किसी उत्पाद का मूल्य पीछे आधार वर्ष के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो निकल आता है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य में महंगाई दर को स्थिर माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्थिर मूल्य में महंगाई दर को स्थिर माना जाता है और अभी हमारा जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। उस तरह से जानते हैं चालू मूल्य। चालू मूल्य क्या होता है? तो किसी उत्पाद का जो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है यानी कि MRP जो होता है वही उसका चालू मूल्य कहलाता है। किसी प्रोडक्ट में यदि उसका MRP लिखा हुआ है तो वही उसका क्या है? चालू मूल्य है। यानी कि सीधा सीधा बात यह है कि आधार वर्ष से अब तक जितना भी मुद्रास्फीति हुआ है उसको जोड़कर ही निकाला जाता है चालू मूल्य या MRP। आधार वर्ष यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का 2011-12 में जो भी रेट रहेगा और अब तक जितनी भी मुद्रास्फीति हुई है उस प्रोडक्ट मामले में उन सब को ऐड करेंगे तो एक्चुअल अभी का जो है MRP हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चालू मूल्य को भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं GNP और GDP की उपयोगिता के बारे में समझते हैं। आखिर इन दोनों की उपयोगिता क्या है? GNP और GDP की उपयोगिता, GNP एंड GDP की उपयोगिता, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जानते हैं GNP और GDP की उपयोगिता के बारे में। तो देखिए GDP के बारे में पहले देखते हैं। देखिए GDP क्या बताता है? GDP में जो वार्षिक वृद्धि दर होती है, वार्षिक जो परिवर्तन होता है परिवर्तन, वही किसी अर्थव्यवस्था का वार्षिक वृद्धि दर होता है। वार्षिक वृद्धि दर, GDP में जो वार्षिक परिवर्तन होता है वही किसी अर्थव्यवस्था का वार्षिक वृद्धि दर होता है। दूसरी बात, क्वांटिटेटिव अप्रोच से हमें किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति के बारे में पता चलता है। मतलब GDP के क्वांटिटेटिव अप्रोच से ही हमें किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति के बारे में पता चलता है। तीसरी बात, जो IMF होती है, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वो GDP के आधार पर ही किसी देश का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। तो देखिए GDP की तीन उपयोगिता यहाँ पे हमने देखी। GDP में ही वार्षिक जो परिवर्तन होता है वही किसी अर्थव्यवस्था का वार्षिक वृद्धि दर होता है। दूसरी बात, GDP में क्वांटिटेटिव अप्रोच यानी कि परिमाणात्मक जो दृष्टिकोण होता है उससे हमें उत्पादन शक्ति का पता चलता है, और जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, वही GDP के आधार पर ही किसी देश का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, GNP की उपयोगिता को समझते हैं। GNP की क्या उपयोगिता है? GNP, देखिए पहली बात ये कि GNP के आधार पर ही जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है,
यही रैंकिंग तय करता है। रैंकिंग तय करेगा किसी देश का, रैंकिंग किस आधार पर तय हो रहा है, तो जीएनपी के आधार पर तय होता है। हालांकि जो परचेसिंग पावर पैरिटी है उस आधार पर भी आईएमएफ किसी देश का रैंकिंग तय करता है। दूसरी बात, जीएनपी जो होता है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच तो रखता ही है, क्वांटिटेटिव अप्रोच तो रखता ही है, साथ में क्वालिटेटिव अप्रोच भी रखता है। दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि परिमाणात्मक और ये योग्यात्मक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात, किसी अर्थव्यवस्था के पैटर्न, अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उत्पादन के व्यवहार, उत्पादन के व्यवहार को समझने के लिए जीएनपी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ भी हमने तीन बातें देखी। देखिए, आईएमएफ जो होता है वो जीएनपी के आधार पर ही किसी देश का रैंकिंग तय करता है। हालांकि पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी भी रैंकिंग तय करने का दूसरा आधार भी होता है। जीएनपी दोनों अप्रोच रखता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और तीसरी बात, अर्थव्यवस्था के पैटर्न को और उत्पादन के व्यवहार को समझने के लिए जीएनपी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये दोनों की उपयोगिता रही है। उपयोगिता के बारे में इसलिए बताया मैं क्योंकि अभी क्वेश्चन आने का इससे संभावना है, क्योंकि जीडीपी हमारी बहुत गिर चुकी है, इस वजह से इसको हमको क्लियरली पढ़ना चाहिए और इसकी उपयोगिता के बारे में मैंने बताया है। अब देखिए, मैं ये बताता हूँ कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जीडीपी में शामिल हो सकती हैं और जो जीएनपी में शामिल हो सकती हैं, तो उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम जीएनपी और जीडीपी में अंतर की बात देखें तो देखिए, उत्पादन के हुए सभी साधन, जैसे कि उत्पादन के उन साधनों, जैसे कौन कौन से, श्रम और पूंजी, श्रम और पूंजी द्वारा, ध्यान रखेंगे उत्पादन के उन साधनों जिसमें श्रम और पूंजी, भले ही इसमें स्वामित्व, इसमें जो स्वामित्व हो वो भारत के निवासियों का हो, भारत के निवासी का स्वामित्व है, यानी कि उत्पादन के उन साधनों इसमें श्रम और पूंजी द्वारा एक स्वामित्व किसका है, भारत का है, तो इसमें जो उत्पादित मूल्य होगा, उत्पादित मूल्य होगा वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा। ये मैं एग्जाम्पल लेके बताऊँगा तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल को आप जब तक उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे मेंस में आप उसको नहीं लिख सकते, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। उत्पादन के उन साधनों जैसे कि श्रम और पूंजी द्वारा उत्पादित, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो श्रम और पूंजी द्वारा उत्पादित जो जीएनपी होता है, जो मूल्य है, श्रम और पूंजी द्वारा जो उत्पादित मूल्य है वो किसमें शामिल होगा, यदि स्वामित्व यानी कि श्रम और पूंजी का जो स्वामित्व है वो भारत के निवासी का है तो भारत के जीएनपी में शामिल होगा। उत्पादन के उन साधनों जैसे कि श्रम और पूंजी द्वारा जिसमें स्वामित्व किसका हो, भारत के निवासी का हो, तो उसके द्वारा जो उत्पादित मूल्य होगा वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा। जैसे कि मान लीजिए जापान की कोई कंपनी है, जापान की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने क्या किया है, भारत में लगाया है अपना एक फैक्ट्री, भारत में एक अपना फैक्ट्री लगा रखा है। तो देखिए, यहाँ हमें समस्या होती है कि इसका जो उत्पादित मूल्य होगा वो जीएनपी में होगा या जीडीपी में शामिल होगा। तो इस एग्जांपल को दोबारा बताता हूँ। इसमें देखिए, यदि श्रम और पूंजी भारत के घरेलू क्षेत्र में है, मान लीजिए इनके द्वारा जो उत्पादित मूल्य है और भारत के घरेलू क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो स्वामित्व किसी का भी हो तो फिर ये जीडीपी में शामिल होगा। यदि श्रम और पूंजी पर स्वामित्व भारत का निवासियों का है तो वो जीएनपी में शामिल होगा। यदि श्रम और पूंजी का उपयोग भारत के घरेलू क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे स्वामित्व किसी का भी हो, तो भारत के जीडीपी में होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने भारत में अपना फैक्ट्री लगाया है, तो भले श्रम लगाया
और पूंजी भी लगाई, लेकिन कहाँ लगाया? भारत में, भारत के घरेलू क्षेत्र में। तो इसमें जो उत्पादित मूल्य होगा वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा। क्लियर? अब मान लीजिए भारत का कोई वैज्ञानिक है और वह व्याख्यान देने के लिए यूएसए गया है, तो वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा, क्योंकि श्रम भी हमारा है और पूंजी भी हमारा है। तो स्वामित्व किसका रहा? भारत के निवासी का रहा। तो भारत का कोई वैज्ञानिक है जो यूएसए क्या करने गया है, व्याख्यान देने गया है, तो उसके जो आय होगा व्याख्यान से, जो उसको पैसे मिलेंगे, जो आय मिलेंगे, वो भारत के जीएनपी में शामिल होंगे। ये दोनों बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा जीएनपी में शामिल होगा और कौन सा जीडीपी में शामिल होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी और एनएनपी को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अधिकतर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बाजार मूल्य पर जीडीपी को डिस्कस करिए, बाजार मूल्य पर जीएनपी को डिस्कस करिए, एनडीपी और एनएनपी के बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आगामी आ सकता है करके मैंने उन दोनों को भी इसमें डिस्कस कर दिया है। और एक बार तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राष्ट्रीय आय क्या है करके, तो राष्ट्रीय आय क्या है दो नंबर का क्वेश्चन है, शुरुआत में ही मैंने उसको क्लियर कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।